ये वीडियो आखिर तक देखना। और वर्क फ्रॉम होम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? लॉकडाउन ठीक चल रहा है? मज़े आ रहे हैं? अभी और आएंगे क्योंकि लॉकडाउन 6 भी आएगा। एनीवे, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चलो पॉइंट पे अरे आते हैं। आती आती है, आती आती है, आती आती है। और फॉर एग्जांपल, आपने किसी के साथ बुरा किया, ठीक है, या किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो 1 साल के बाद या 2 हफ्ते के बाद या तीन तीन महीने के बाद उसके साथ वही चीज़ दोबारा होगी, तो इसे कहते हैं कर्मा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो डू यू बिलीव इन कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आज ही के दिन इसी एपिसोड में क्यों लाया, वो क्योंकि मेरे साथ आज ऐसा कुछ हुआ है जो कि मेरे को डिस्कस करना है। तो हाँ, हम लोग मिलते हैं, मैं और मेरा दोस्त, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो ये वीडियो देख रहा है। तो मैं और मेरा दोस्त 5 बजे मिलते हैं, 5 बजे। तो 5 बजे मिलते हैं, 5 से 7 बजे तक हम वॉक करते हैं। वॉक करने के 15 मिनट के बाद एक लेडी आती है, आंटी आती है, हम उसके कुत्ते के साथ खेलते हैं, बकायदा खेलते हैं, बकायदा खेलते हैं, ठीक है। वो हमारी दोस्त है, कुत्ता कुत्ता हमारा दोस्त है, आंटी से कोई लेना देना है नहीं। तो हम क्या कहते हैं, हम उसके साथ वॉक एंड टॉक करते हैं, हमारा हमारी वॉक एंड टॉक होती है। तो आज हाय हेलो हुई, तो आंटी थोड़ी सी मूड ऑफ थी, थकी हुई थी, तो उनके 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 मुँह से ये बात निकली कि तुम लोग मेरे साथ क्यों घूमते हो और तुम लोग बहुत बदतमीज़ हो। मतलब ऐसा दिखला नहीं है, लेकिन हमने ऐसा सोच लिया है कि इस इंसिडेंट के बाद हम अब उस आंटी से नहीं मिलेंगे। मैं और मेरा दोस्त जो 5 से 7 बजे तक वो कहते हैं, हम उस आंटी से नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतने लिखते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। क्या करना है आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करे बिना मत जा।